हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम एक्सरसाइज 8.3 की क्वेश्चन नंबर 3 पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर। हमें इनमें ऑप्शन चूज करना है और उसको जस्टिफाई भी करना है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 9 sec² a - 9 tan² a। इसको सोल्व करेंगे तो इक्वल्स टू में क्या आएगा। ऑप्शन है 1, 9, 8 एंड 0, ठीक है। अब देखो सोल्व करते हैं इसको। यहाँ पे लिखा हुआ है 9, फर्स्ट पार्ट है इसका। यहाँ पे लिखा हुआ है 9 sec² a - 9 tan² a। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 9। 9 को कॉमन लेंगे तो ये आएगा sec² a - tan² a, ठीक है। अब sec² a और tan² a की वैल्यू होती है 1। होती कैसे है वो देख लो, यहाँ पे रख में करते हैं। एक फॉर्मूला है 1 + tan² a = sec² a, है ना ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में देखो यहाँ पे tan² a को मैं चेंज कर दूँ, राइट साइड में लेके जाऊँ तो यहाँ तो बचेगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा sec² a - tan² a, ठीक है। अब देखो यहाँ पे sec² a - tan² a की वैल्यू क्या है, 1। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 9 × 1, सोल्व करेंगे तो ये आएगा 9। अब ऑप्शन में देखो 9 कहाँ पे है, बी, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बी जो है वो इज़ द करेक्ट, एकदम सही है, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट है भाई, सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है 1 tan θ + sec θ × 1 cot θ - cosec θ इक्वल्स टू फाइंड आउट करना है हमें। यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी यहाँ पे है 2 एंड ऑप्शन डी है -1, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 tan θ + sec θ × 1 cot θ - cosec θ। तो देखो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, हम इन सब को जितने भी फॉर्म हैं इनको साइन कोस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ पे है देखो 1 tan θ, इसको लिख लो यहाँ पे 1 tan θ + sec θ × 1 cot θ - cosec θ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको मैं लिखूँगा 1 को 1 + tan θ होता है sin θ / cos θ होता है, प्लस sec थीटा की वैल्यू होती है 1 / cos θ, ये cos थीटा का रेसिप्रोकल है। उसके बाद इनटू में है 1 + cot θ को लिखेंगे 1 / या cot को लिखेंगे cos / sin cos θ / sin θ - cosec θ होता है 1 / sin θ, ठीक है। अब देखो सिंपल करेंगे इनको, यहाँ पे मैं 1 लिख लेता हूँ, कुछ नहीं है तो यहाँ भी 1 लिख लेंगे। अब इनमें एलसीएम लेंगे, इस वाले ब्रैकेट में एलसीएम आएगा cos θ, इसको सिंपल करेंगे तो ये होगा cos θ + sin θ + 1। इस वाले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो यहाँ इनका एलसीएम आएगा sin θ, यहाँ पे आएगा sin θ + cos θ - 1, ठीक है। ये तो आप 10th में हो, ये तो करना आता ही होगा। एलसीएम लेंगे cos θ, फिर इसको डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सोल्व करने पे ये आएगा। अब देखो यहाँ पे है cos θ + sin θ और यहाँ भी है cos θ + sin θ, तो इसको मैं a मान लेता हूँ। यहाँ पे जो है ना इस कंप्लीट को a मान लेंगे। यहाँ पे देखो आप हो गया a + b और a - b, है ना। यानी कि यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा
ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना ये फॉर्मूला। अब यहाँ से देखो इसको कंप्लीट को ए मान लेते हैं, साइन थीटा प्लस कोस थीटा को ए मान लेते हैं और वन है उसको बी मान लेंगे। तो इस फॉर्म में है ये ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए की वैल्यू है कोस थीटा प्लस साइन थीटा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ये ए की वैल्यू है, कंप्लीट एक साइड है तो ए स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू वन है तो बी स्क्वायर, ठीक है। इनको प्रोडक्ट, इनका जो प्रोडक्ट है वो ये आएगा। डिनोमिनेटर में है कोस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब देखो इसको ओपन करेंगे, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको फिर ओपन करेंगे यहाँ पे कोस थीटा प्लस साइन थीटा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए प्लस बी, इसका होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है। यहाँ पे ए की वैल्यू कोस थीटा है, बी की वैल्यू साइन थीटा है, ओपन करेंगे तो ये आएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू कोस थीटा साइन थीटा अपॉन, यहाँ पे माइनस वन का स्क्वायर वन रहेगा, डिनोमिनेटर में होगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ से देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एक वैल्यू होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और इसकी वैल्यू होती है वन। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी वन, वन प्लस यहाँ लिखेंगे कोस टू कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस वन अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो प्लस वन से माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, कोस थीटा साइन थीटा से कोस थीटा साइन थीटा कैंसिल, यहाँ पे टू बचेगा तो इक्वल्स टू टू। तो यहाँ पे ऑप्शन में देख लो टू कहाँ पे है, टू इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये इसका थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में देखते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। यहाँ से ये लिखा हुआ है sec a प्लस टेन ए, sec a प्लस टेन ए इंटू वन माइनस साइन ए। यहाँ पे पहले इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो पहले sec a को वन माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा sec a को वन से करेंगे तो sec a, माइनस sec a को साइन ए से करेंगे तो ये होगा sec a इंटू साइन ए, ठीक है। अब टेन ए को करेंगे वन से तो टेन ए, फिर माइनस टेन ए को साइन ए से करेंगे तो टेन ए इंटू साइन ए, ठीक है। अब देखो इनको क्या करेंगे, साइन कोस की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो sec a होता है भाई कोस ए का रेसिप्रोकल, तो इसको लिखेंगे वन अपॉन कोस ए माइनस sec a, वही वन अपॉन कोस ए लिखेंगे इंटू साइन ए को साइन ए लिखेंगे यहाँ से, प्लस टेन ए को लिखेंगे साइन अपॉन कोस, साइन ए अपॉन कोस ए, माइनस टेन को लिखेंगे साइन अपॉन कोस, साइन ए अपॉन कोस ए इंटू साइन ए। अब सिंपल कर लेंगे इनको, सिंपल करेंगे वन अपॉन कोस ए, फिर इसको लिखेंगे वन अपॉन कोस ए माइनस साइन ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए ऑलरेडी है, माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए, ठीक है। अब यहां से देखो साइन ए अपॉन कोस ए माइनस है या प्लस है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ बचेगा भाई वन अपॉन कोस ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, दोनों को एलसीएम आएगा कोस ए
कोस ए को इससे डिवाइड करेंगे वन, वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे वन, माइनस इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो यहाँ से एक फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू वन। यहाँ से कोस स्क्वायर ए होता है वन माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ से कोस स्क्वायर ए, देखो वन माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है, कोस स्क्वायर ए, तो यहाँ से इसके जगह लिखेंगे कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। अब यहाँ पे कोस स्क्वायर है, इसका मतलब कोस टू टाइम मल्टीप्लाई है, तो इसको लिखेंगे कोस ए इंटू कोस ए, डिवाइड में है कोस ए, अब कोस ए से कोस ए कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा कोस ए। तो कोस ए ऑप्शन में देख लो किस ऑप्शन में है कोस ए, यहाँ से ऑप्शन डी में है कोस ए, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये इसका पार्ट फोर है, वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस कोट स्क्वायर ए, ऑप्शन है ए सेक स्क्वायर ए, बी है माइनस वन, सी है कोट स्क्वायर ए और ऑप्शन डी है टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो सोल्व करते हैं इसको, देखो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, ये वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस कोट स्क्वायर ए। देखो यहाँ पे कोट स्क्वायर ए को मैं टेन स्क्वायर ए में कन्वर्ट कर सकता हूँ वन अपॉन टेन लिख के, यहाँ पे फॉर्मूला है टेन ए जो है ये कोट ए का रेसिप्रोकल है, यानी कि वन अपॉन कोट ए की वैल्यू क्या है टेन ए, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ इसको लिखते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस वन अपॉन टेन स्क्वायर ए। इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा वन प्लस टेन स्क्वायर, यहाँ तो ऑलरेडी है, डिनोमिनेटर में इनका एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा भाई टेन स्क्वायर ए प्लस वन और इनका एलसीएम है टेन स्क्वायर ए। आप देखो डिवाइड में, डिवाइड के बाद डिवाइड है वो, तो टेन स्क्वायर ए है ना ये ऊपर चला जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर ए के मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए इंटू, यहाँ पे वन प्लस टेन स्क्वायर ए तो है ऑलरेडी टेन स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में देखो टेन स्क्वायर ए है ए प्लस वन है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ वन प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, वन प्लस टेन स्क्वायर ए से वन प्लस टेन स्क्वायर ए कैंसिल, क्या बचेगा टेन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे देख लो ऑप्शन में टेन स्क्वायर ए किस ऑप्शन में है, टेन स्क्वायर ए ऑप्शन डी में है, तो यहाँ से ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो आज हमने एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व किया, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों क्लासमेट के साथ शेयर करो, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पिन करो। ठीक है, थैंक यू।